दोस्तों रिसेंटली एक शॉकिंग खबर सामने निकल के आई है। अफगानिस्तान के एलीट नेशनल आर्मी के कमांडो जिनको लास्ट ईयर अगस्त में यूएसए ने अफगानिस्तान से भागते वक्त अबैंडन कर दिया था, छोड़ दिया था, उनको यूक्रेन से लड़ने के लिए रशिया ऑफर कर रहा है। इन वॉलंटियर कमांडोज की संख्या 20,000 से 30,000 है जिन्होंने 20 साल तक तालिबान और अलकायदा से लड़ाई लड़ी। दोस्तों क्या आपको पता है कि यूएसए ने अफगान नेशनल डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस को बिल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट $90 बिलियन खर्च किए थे। ये कमांडोज हाईली ट्रेंड है क्योंकि इनको यूएस नेवी सील और ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस के द्वारा ट्रेन किया गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये कमांडोज रशियन फोर्सेस ज्वाइन भी कर लेंगे क्योंकि इनमें से ज्यादातर जॉबलेस और होपलेस हैं और कुछ वेट भी कर रहे हैं कि इनको यूएसए या फिर ब्रिटेन में रीसेटलमेंट मिल जाएगा। तो अगर ये फोर्सेस रशिया को ज्वाइन कर लेती हैं तो इनडायरेक्टली ये ऐसा हो जाएगा कि यूएसए खुद रशिया की तरफ से यूक्रेन से लड़ रहा है। और दोस्तों ये पहला ऐसा मौका नहीं है जब यूएसए ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी है। इराक और सीरिया में भी कुछ ऐसे ही हालात हुए थे।